अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है सिस्टम्स ऑफ द स्टेट के हवाले से। और मैं सुंबल शहजाद, आज हमने जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो फॉशिज्म और नेशनलिज्म है। तो फॉशिज्म क्या है? सबसे पहले फॉशिज्म एक्चुअली में एक अथॉरिटेरियन नेशनल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, जिसमें आप एक नेशन को या रेस को बहुत ज़्यादा एग्जॉल करते हैं, हेल करते हैं, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। ठीक है, आप एक इंडिविजुअल, मतलब आप एक नेशन को या रेस को बताएंगे कि तुम दूसरे लोगों से बहुत बेहतर हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हैं दूसरों में नहीं है, तुम इसीलिए पैदा किए गए हो कि दूसरों पर हुकूमत करो, कोई तुम पर हुकूमत ना करे। ठीक है, इस तरह की बातें। तो ये जो फॉशिज्म की टर्म है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे मोसोलिनी की पार्टी बनी थी फॉशिज्म। ठीक है, डिक्टेटरशिप टाइप की पार्टी थी। ठीक है, तो फॉशिज्म में क्या होता है कि सेंट्रलाइज्ड ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जिसमें एक ऐसा लीडर लीड कर रहा होता है जो कि बहुत करिज्मेटिक पर्सनैलिटी रखता है, और लोग उसकी सारी बातें मानते भी हैं। और वो एक, मतलब ऐसा बंदा होता है कि वो किसी का अकाउंटेबल नहीं है, वो डिक्टेटर होता है, डिक्टेटर की तरह तमाम इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, और वो जो चाहेगा वो ही होगा। अब यहाँ पे क्या है कि सिवियर इकोनॉमिक एंड सोशल रेजिमेंटेशन होती है। ठीक है, और फोर्सिबल सुप्रेशन होती है अपोजिशन की। अपोजिशन में मतलब समझते हैं कि ऐसी आवाजों को उठाने की इजाज़त नहीं होती जो भी हुकूमत से सवाल करें, उनसे पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, उनको बताएं कि आप गलत कर रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता फॉशिज्म में। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, यूजुअली फॉशिज्म का कंसर्न जो है ना वो किससे है? ऐसी नेशन से है जो कि कल्चरली डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, डिकेडेंस में चली गई। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ क्या था कि जी इटली पर और जर्मनी पर ये हुआ था कि बहुत ज़्यादा सेंक्शंस लग गए थे, उन्होंने पे करना था, कुछ डेट था ट्रीटी ऑफ वर्सायलीज की वजह से। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे साथ इस्तेहसाल हो रहा है, तो ये जो है ना लीडर खड़े हो गए कि हम कर्जा नहीं देंगे, हम अपने आप को तरक्की देंगे ताकि हम इनके बराबर आगे खड़े हो सकें। तो वो कल्चरली डिक्लाइन कर रहे थे, तो एक बंदा खड़ा हो गया कि मैं तुम्हारे तमाम मसाइल का हल पेश करूंगा, तुम मुझे आगे लेकर आओ, ठीक है, अपना लीडर मान लो। तो इन्होंने क्या किया, जब वो डिक्लाइन हो रही थी उस वो नेशन कल्चरली, तो एक लीडर खड़ा हुआ, उसने क्या किया कि नेशन को दोबारा से खड़ा किया अपने पैरों पे। ठीक है, और किस तरह खड़ा किया कि इंटरेस्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल को सुप्रेस किया, और क्या प्रमोट किया, कल्ट्स ऑफ यूनिटी, एनर्जी एंड प्योरिटी, कि हम सबको मिलके काम करना है, हम सबको जो है एंथुजियास्टिकली काम करना है ताकि हम अपनी नेशन को तरक्की दें, अपनी स्टेट को तरक्की दें। तो इस तरह की बातें करके ना उन लोगों को इकट्ठा किया। ठीक है, अच्छा इकोनॉमिक्स में फॉशिज्म क्या करता है? फॉशिज्म ना कैपिटलिज्म है और ना ही कम्युनिज्म है और ना ही सोशलिज्म है। ठीक है, ये कोई अलग ही मखलूक है। अब ये क्या है, यूजुअली यहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और प्रॉफिट मोटिव्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे कैपिटलिज्म में है और प्रॉफिट मोटिव जैसे कैपिटलिज्म में है, ठीक है, वो सब कुछ है। लेकिन आप ये अपने आप की तरक्की के लिए काम नहीं कर सकते, गलत है। आपने स्टेट की तरक्की के लिए काम करना है, और उसके लिए जो है ना अपने सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वगैरह सब कुछ जो भी है उसको यूज करना है। ठीक है, अपने आप मतलब अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को इस तरह इस्तेमाल करना है, इस तरह तरक्की देनी है कि स्टेट के साथ क्लैश में ना आ जाए या स्टेट के साथ कंफ्लिक्ट में ना आ जाए। ठीक है, अच्छा फॉशिस्ट गवर्नमेंट क्या करती है, इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की कोशिश करती है, की इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज करने की कोशिश करती है। ठीक है, और करंसीज को भी मैनेज करने की कोशिश करती है, और क्या करती है कि स्टेट जो है ना, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो क्या करती है कि मैसिव इन्वेस्टमेंट करती है डिफरेंट बिजनेसेस में, क्योंकि उन्होंने स्टेट को अपने पैरों पे खड़ा करना है ना, जो कि डिक्लाइन में जा रही है। अब सेंट्रल अथॉरिटी ये सारे इनिशिएटिव्स लेती है कि स्टेट अपने पैरों पे खड़े हो जाए, और प्राइवेट जो सेक्टर है उसको भी ये काम करने के लिए उभारती है। तो दिस इज फॉशिज्म। ठीक है, अच्छा यूजुअली ये क्या करते हैं,
प्राइस कंट्रोल्स भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वेज कंट्रोल्स भी मैनेज करते हैं कि किसी भी लेबर को इतनी कॉस्ट कम अज़ कम मिलनी चाहिए, उसका काम इतना होना चाहिए और प्राइस इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह के काम करते हैं. तो इकोनॉमिक प्लानिंग मेजर्स ये लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरह के. ठीक है, फीचर्स क्या है हमारे पास? फॉशिज्म में स्टेट ऑनरशिप है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है, और हर चीज जो है स्टेट के सबसर्वियंट है. अब ऐसी चीजें जो प्राइवेटली ओन्ड है वो भी स्टेट के अंडर है, स्टेट कभी भी उनको अपने अंदर जम कर सकती है. ठीक है, अगर उसे लगेगा कि कोई भी ऐसा बिजनेसमैन है हमारे अगेंस्ट जा रहा है और मतलब स्टेट के अगेंस्ट काम कर रहा है या किसी और स्टेट को ज्यादा फायदा पहुंचा रहा है, तो वो हो सकता है कि उसकी जो है ना इंडस्ट्री को जम कर लें अपने अंदर और बिजनेस को जब्त कर लें. ठीक है, अच्छा, फॉशिज्म में लीडर वर्शिप होती है कि वो लीडर जो है ना वो इतना करिश्मेटिक पर्सनालिटी का बंदा होता है और लोगों को लगता है इसके अलावा तो हमारे मसले मसाइल का हल किसी के पास है ही नहीं. ठीक है, और बस इसी की बात मानो. ठीक है, तो वो लीडर ऑल पावरफुल मैन होता है और तमाम लोग उसको फॉलो करते हैं, और हमने मुसोलिनी और हिटलर दोनों के केसेस में ये बात देखी है. अच्छा, अब जब डिक्टेटर है और तमाम इख्तियार उस बंदे के हाथ में है और वो एक्सट्रीमली नेशनलिस्टिक है या मतलब ये स्टेट वर्शिपर है, तो वो वर्शिप भी करेगा. ठीक है, तो जंगों के लिए हर वक्त तैयार रहेगा. अब ऐसा इंसान अगर पावर में आ गया तो आप देखें वो स्टेट हर वक्त जंग में ही रहेगी. ठीक है, और पॉलिटिक्स में आपको कभी भी पीस नहीं मिलेगा, हर बार किसी ना किसी को आंखें दिखा रहे होंगे, किसी ना किसी से झगड़े में होंगे और लड़ाई होती रहेगी, जैसे मुसोलिनी ने किया था अपने टाइम में, ग्रीस के ऊपर चढ़ाई कर दी थी. ठीक है, जिसकी वजह से इसको मूंग ही खानी पड़ी थी. अच्छा, ये जो है ना फॉशिज्म, अभी हमने देखा ना ही कैपिटलिज्म के हक में है, ना ही कम्युनिज्म के हक में है, ना ही किसी और मतलब सोशलिज्म के हक में. ठीक है, एंटी कम्युनिस्ट है क्योंकि कम्युनिज्म में क्या होता है, इंटरनेशनलिज्म होती है. ठीक है, और फॉशिज्म में ज़्यादातर आप क्या करते हो कि नेशन को ग्लोरीफाई करते हो, उस नेशन को कहते हो कि जी आप सबसे बेहतर हैं और आपसे बेहतर कोई भी नहीं है, और आप जो है ना अपने आप को डेवलप करने के ऊपर काम करें. ठीक है, तो ये उसका एजेंडा होता है फॉशिस्ट का. अच्छा, इसके बाद क्या है इसमें फॉशिज्म में, ये तमाम चीज़ें मौजूद होंगी. नेशनलिज्म होगी, ठीक है, कि नेशन सबसे अच्छी है, सबसे ग्लोरीफाई करके उसको प्रेजेंट करेंगे और नेशन के लिए कट मरने को तैयार है हर इंसान. टोटलिटेरियनिज्म, सेंट्रल अथॉरिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हर एक सेक्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करिए, दिस इज टोटलिटेरियनिज्म. स्टेटिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म से स्टेटिज्म है. नेशनलिज्म में आप एक नेशन को हेल कर रहे होते हो, स्टेटिज्म में स्टेट, ठीक है, स्टेट को आप हेल कर रहे होते हो, मेरी स्टेट सबसे ऊपर है, सबसे बेहतर है और मैंने इसको कभी किसी के अंडर नहीं आने देना, ना ही किसी के साथ कोई बायलेटरल रिलेशंस रखते हैं, इस तरह की बातें. पेट्रियोटिज्म भी कुछ इस तरह की बातें हैं. फिर ऑटोक्रेसी भी टोटलिटेरियनिज्म से मिलती जुलती चीज़ है. मिलिटेरियलिज्म, ठीक है, अब इसमें क्या है कि हर वक्त जो है ना मिलिट्री तैयार रहेगी कि अगर जैसे हमें मौका मिला तो हम लड़ेंगे किसी के भी साथ. ठीक है, फिर कॉरपोरेटिज्म, पॉपुलिज्म, कलेक्टिविज्म, ये सारी बातें हैं, ये सारे इज़म्स आएंगे. अच्छा, अब ये किस किस को अपोज करती है? लिबरलिज्म को अपोज करी है. ठीक है, यूजुअली जो है ना स्टेट के अंदर, फॉशिस्ट स्टेट के अंदर लिबर्टी नहीं होती लोगों के पास. कम्युनिज्म को भी हमने देखा कि अपोज करी है, डेमोक्रेसी को भी अपोज करी है और इंडिविजुअलिज्म को भी अपोज करी है, क्योंकि एक्चुअली जब हर इंसान अपने अपने इंटरेस्ट में पड़ जाता है ना तो स्टेट के लिए काम नहीं करेगा. ठीक है, तो ये इसलिए इंडिविजुअलिज्म को अपोज करता है और कहता है कि कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करें फॉशिज्म. फाइन, अच्छा, प्रिंसिपल्स क्या है फॉशिज्म के? फॉशिज्म जो है ना वो एक रियलिटी है, ये डॉक्ट्राइन नहीं था. हमने देखा है कि ये रियलिटी के प्रिंसिपल पर बेस करता है फॉशिज्म, कि स्टेट जो है वो डिक्लाइन में जा रही थी तो उस मुसोलिनी ने खड़े होके कहा है कि आप सब जो है एक एजेंडे के ऊपर जमा हो रहे हैं, जब तक आप यूनाइट नहीं होंगे तब तक आप जो है ना ये क्राइसिस फेस करते रहेंगे. तो उसने लोगों को जमा किया एक प्लेटफॉर्म पे, एक कॉज के ऊपर. ठीक है, और फिर हमने देखा कि इटली वाकई ही और जर्मनी दोनों ही वाकई ही जो है ना
पावरफुल कंट्रीज बन के उभरी, हालांकि इतने सैंक्शंस और इतने मसले मसाइल थे। अच्छा, फॉशिज्म में क्या होता है? फॉशिज्म बिलीव्ड इन डिक्टेटरशिप ऑफ वन नेशनल लीडर एंड रिप्यूडिएटेड डेमोक्रेसी। ठीक है, फॉशिज्म में एक लीडर होता है, सेंट्रल अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगी, वो डिक्टेटर होगा, वो तमाम इख्तियारात को प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं होगी तो वो जिस डगर पे लेके जाना चाहेगा अपनी स्टेट को फुल्ली फोर्स के साथ वहां लेके जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी जब सेंट्रल अथॉरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है ना, तो वो नेशन बहुत तरक्की कर सकती है, अगर वो सेंट्रल अथॉरिटी बहुत काबिल हो तो। ठीक है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपके पास बहुत सारी आराम मौजूद होती है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ना डायरेक्शंस पे लेके जा सकते हैं डेमोक्रेसी में आप एक स्टेट को, लेकिन डिक्टेटरशिप में एक बंदे की लीडरशिप में आप एक ही तरफ जाएंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं फॉशिज्म में, या सेंट्रल अथॉरिटी जब स्ट्रांग होती है तो। इंडिविजुअलिज्म के पोस्ट है, हमने हमने पढ़ लिया कि इंडिविजुअलिज्म के पोस्ट कैसे है, किसी एक इंसान के इंटरेस्ट को कैटर नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक कॉमन इंटरेस्ट को कैटर कर रहे होते। कॉमन इंटरेस्ट क्या है कि हमने स्टेट को सबसे ज्यादा तरक्की देनी है, अपनी नेशन को सबसे ज्यादा तरक्की देनी है। फॉशिज्म जो है वो टोटेलिटेरियन स्टेट में बिलीव करती है। टोटेलिटेरियन स्टेट क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो मुल्क में रहने वाले तमाम लोगों को एक ही डगर पे चलाएगी, एक ही मतलब डंडे से हाँकेगी, उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए जाएंगे कि उन्होंने ड्रेसिंग कोड कैसी होनी चाहिए, उनके हेयर कट कैसे होने चाहिए, और उन्होंने क्या देखना है, क्या पढ़ना है, ठीक है, किस चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है, ये सब कुछ। टोटलिटेरियनिज्म हम पढ़ चुके हैं उसमें, फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट में, तो वहां से आप देख लीजिएगा। देन वायलेंस फोर्स और इंपीरियलिज्म में बिलीव करती है। ठीक है, जब आपने अब कुछ सेट स्टैंडर्ड्स और गोल्स दे दिए हैं और अगर कोई उनके हिसाब से नहीं चल रहा तो आप वायलेंस और फोर्स तो यूज़ करेंगे ही ना, और जब डिक्टेटरशिप है तो इंपीरियलिज्म तो होगी ही। फिर फॉशिज्म इंटरनेशनलिज्म को अपोज करता है टूथ एंड नेल। फॉशिज्म बिल्कुल भी इंटरनेशनलिज्म के हक में नहीं, नेशनलिज्म के हक में है। ठीक है, कि स्टेट सबसे ऊपर है, नेशन सबसे ऊपर है, और बाकी किसी नेशन के साथ आपने कोई ताल्लुक नहीं रखना, या वो आपसे कमतर है, इस तरह की बात है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, और ऐसी अगर कोई स्टेट हो ना तो आप उसके साथ जंग में ही रहते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि अपोज करती है इंटरनेशनलिज्म को, तो नेशनल स्टेट में बिलीव करती होगी। नेशनल स्टेट क्या होती है, मैं बता दूं कि एक नेशन के लोग, एक कॉम, ठीक है, कॉम किसी भी मजहब, कल्चर, रंग या रेस की वजह से बन सकती है, तो उनको एक इलाका दे दिया जाना तो वो नेशन स्टेट बन जाती है। तो ये फॉशिज्म नेशनल स्टेट पे बिलीव करती है। ठीक है, फॉशिज्म क्या करती है, सपोर्ट करती है कॉरपोरेट स्टेट को। ठीक है, कॉरपोरेट स्टेट क्या है कि स्टेट में बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट हो। ठीक है, और सेंट्रल अथॉरिटी भी इस चीज़ में इन्वेस्ट भी करती है, और प्राइवेट इनिशिएटिव्स लेने वालों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करती है, क्योंकि चाहती है कि हम जो है ना पावरफुल बने, और पावरफुल आप तभी बनेंगे जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, आपको प्रोडक्शन सेक्टर बहुत ज़्यादा जो है काम कर रहा हो। फाइन, ऑपोजिशन ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अब सोशलिज्म और कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं है, इंडिविजुअल जो है इनिशिएटिव्स का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ है। ठीक है, और ये एक तरह का नया इकोनॉमिक सिस्टम है, समझ लें कि कुछ चीज़ें इसने कैपिटलिज्म से ले ली हैं, कुछ चीज़ें इसने कम्युनिज्म और सोशलिज्म से ले ली हैं, और दोनों को मिला के एक नया सिस्टम दिया है जो कि फॉशिज्म है। तो ये बात है। अच्छा, क्रिटिसिज्म क्या है? तो क्रिटिसिज्म में आप सब अभी तक समझ ही गए होंगे कि बहुत ज़्यादा वायलेंट है, किसी एक इंसान को अपोज कर ही नहीं सकता सेंट्रल अथॉरिटी को, चाहे वो सही करी है या गलत करी है, उसके अगेंस्ट नहीं आप बोल सकते। सेंसरशिप बहुत ज़्यादा होती है, इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत कम होती है, और फोर्स और वायलेंस और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे। डिक्टेटरशिप है, हर चीज़ को अपने हाथ से कंट्रोल करने की कोशिश करती है, और जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो इतनी पावरफुल है कि वो ना ही किसी को अकाउंटेबल है, ठीक है, और ना ही किसी को बताएगी मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो कर रही है वो ठीक कर रही है, और लोग भी नहीं उससे कुछ कह सकते, पूछ सकते ना, उसको रिस्पॉन्सिबल कर सकते उसके कामों के पीछे। जो भी सेंट्रल अथॉरिटी कह रही है लोगों को मानना पड़ेगा। इंडिविजुअल लिबर्टी के अगेंस्ट है ऑब्वियसली, लोगों को ना ही मतलब जो भी उसने रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं ना, लोगों को सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, और आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, क्योंकि जी हमने देखा कि डिक्टेटर्स
और फॉशिस्ट लोग जो है वो वॉर पे ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि नेशनलिस्टिक एजेंडा है ना, क्योंकि हमारी नेशन सबसे ऊपर है और हमारी नेशन को ही हक है पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का, तो वो जंग करेंगे, और जब जंग करेंगे तो आपको क्या लगता है दुनिया में अमन रहेगा? नो, डिस्ट्रॉयज वर्ल्ड पीस एज इंक्लिनेशन टू द वॉर्स, ठीक है, क्योंकि इनका इंक्लिनेशन वॉर्स की तरफ ज्यादा होता है, दैट्स वाई दे जस्ट डिस्ट्रॉय वर्ल्ड पीस. देन ह्यूमन राइट्स वायोलेशन, इंडिविजुअल की राइट्स क्या है, राइट टू स्पीक, लिबर्टी, लाइफ, फाइन, तो ये सब वायलेट करते हैं. अगर इनको लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई इंसान बोल रहा है तो दे विल असैसिनेट हिम और हर. तो इंडिविजुअल लिबर्टी और ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल अगेंस्ट है ये. अच्छा, एलिनेशन ऑफ द कॉमन मैन फ्रॉम द पॉलिटिक्स. अब स्ट्रॉन्ग नेशनल गवर्नमेंट है और वो लोगों को पॉलिटिक्स में नहीं आने देती, ऑपोजिशन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, ठीक है. नॉर्मली डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपके पास वेरियस शेड्स ऑफ ओपिनियन होते हैं और आप उन सबको मतलब एक तरह से कंपनसेट करते हैं, डेमोक्रेसी में सबको कंपनसेट किया जाता है. बट इन फॉशिज्म, कम्युनिज्म में भी, सोशलिज्म में भी, पॉलिटिक्स में आम इंसान को आने नहीं दिया जाता, ठीक है. वहाँ क्या होता है कि बस सेंट्रल अथॉरिटी में जो भी पार्टी बैठी है, लेट्स से एक पार्टी है या फिर कोई एक इंसान है, उनका अपना कोई एजेंडा है, वो अपने ही तरह के लोगों को आगे आने देगा, बाकी सबको साइड पे कर देगा, जेलों में डाल देगा, सजाएं देगा, मुल्क से बाहर निकाल देगा, एंड ऑल दैट. तो ऑपोजिशन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, जब ऑपोजिशन बर्दाश्त नहीं है तो आम इंसान पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता, वो इस चीज़ को हैवीली कंट्रोल करते हैं. अच्छा, अब जहाँ पर जेएस मिल की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा था कि जहाँ लिबर्टी होगी ना वहाँ इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एंड वेयर देयर इज नो लिबर्टी देयर इज नो चांस ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट. सो इन फॉशिज्म व्हाट डू यू सी? डिक्टेटरशिप, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कर्टेलमेंट ऑफ ह्यूमन लिबर्टी. सो हाउ कैन एन इंडिविजुअल डेवलप इट्स पर्सनैलिटी? देयर इज नो चांस ऑफ इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. Then opposition to democracy. Democracy में अभी मैंने बात की कि हम जो है हर तरह की ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हैं और वो सब मतलब कहते हैं पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ चलती रहती है. डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है कि वहाँ हर चीज़ मौजूद होगी, हर राय का बंदा मौजूद होगा, लेकिन फोर्स मौजूद नहीं होगी उन सबको अपनी राय तब्दील करने के लिए. तो ये फॉशिज्म में क्या है, ओपिनियन मतलब पब्लिक ओपिनियन या क्रिटिसिज्म तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं ना, अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है, तो डेमोक्रेसी के तो बिल्कुल ही अगेंस्ट है, वो किसी को आगे आने देना ही नहीं चाहते. अच्छा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस में ये है कि लेट एम्फोसिस ऑन पेट्रियाटिज्म, डिसिप्लिन, नेशनल यूनिटी इन प्लेस ऑफ क्लास स्ट्रगल, ठीक है. अब मार्क्स में हमने देखा था कि ना क्लास स्ट्रगल का एक कंसेप्ट था, there were two classes, proletariats and bourgeoisies, who used to struggle against each other. तो यहाँ पर क्या है, आप स्ट्रगल नहीं करें, आप एक स्टेट के लिए काम कर रहे हो, आप अपनी नेशन के लिए काम कर रहे हो और उसे आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो. तो जब आप इस एजेंडा पे काम करोगे ना, आप सबको साथ लेके चलेंगे, हर किसी को उठाएंगे, ठीक है. तो नेशनल यूनिटी इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है और हमने देखा है कि ऐसा हुआ था, ठीक है, पास्ट में ये चीज़ हुई थी, वर्ल्ड वॉर टू के मतलब वर्ल्ड वॉर वन के बाद वर्ल्ड वॉर टू से पहले हमने ये चीज़ें देखी हैं, ठीक है. देन एक तो हमने देखा था कि ना ये कल्चर कल्चर और मटेरियल पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये एक नेशन के कल्चर की बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है फॉशिज्म, ठीक है. उसको मर्ज नहीं होने देता किसी और के साथ और उसका अपना जो एक ना एग्जॉटिक सा एसेंस है वो बरकरार रहता है उस कल्चर का, ठीक है. क्या लिखा हुआ है, इट इनहैंस द नेशनल प्रेस्टीज इन द इंटरनेशनल फील्ड बाय एस्टैब्लिशिंग इंडस्ट्रियल पीस एंड इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ठीक है. अब हमने देखा है फॉशिज्म में स्टेट भी कंट्रोल करेगी और इंडिविजुअल्स को भी इनिशिएटिव्स लेने की इजाज़त होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की भी इजाज़त होती है, जिससे क्या होता है कि इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से तरक्की करेगी और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे क्या होता है कि नेशन की प्रेस्टीज बढ़ेगी, क्योंकि वो तरक्की कर रहे हैं, वो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, जिसकी वजह से उस नेशन की इज्जत दूसरे लोगों की नज़र में भी बढ़ेगी,
ठीक है, तो ये बात. फॉशिज्म एनहांस द प्रेस्टीज ऑफ द पीपल ऑफ द इटली एज इट वॉज डिफीटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू. ठीक है, सॉरी यहाँ पे वर्ल्ड वॉर वन लिखना था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन में क्या हुआ था, एक्चुअली में इटली हारा तो नहीं था, लेकिन हुआ ये था कि यूके और फ्रांस के साथ इसने लड़ा था जर्मनी के अगेंस्ट. अब जर्मनी के अगेंस्ट जब लड़ा और ये सब जीत गए, तो यूके और फ्रांस उस टाइम पे पॉलिटिकल पावर्स थे और वर्ल्ड पावर्स थे, तो उन्होंने अच्छे अच्छे इलाके सारे अपने पास रख लिए जो भी उन्होंने जीते थे, और इटली को बहुत ही बच्चों कुछ और फजूल से इलाके दिए जिनकी कोई प्रोडक्शन वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू कुछ भी नहीं थी, जिसकी वजह से इटली ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेड फील किया. और उसके बाद मोसोलिनी ने मिला लिया हाथ हिटलर के साथ, और वर्ल्ड वॉर टू में वो दोनों जंग के लिए तैयार हो गए, और दोनों ने बहुत तरक्की की, नो डाउट बहुत तरक्की की, ठीक है, और अपने आप को बहुत ज़्यादा तरक्की दी, और वेपन्स की फील्ड में, इसके अलावा आर्मी की फील्ड में, तो इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है वो आगे आए ये लोग. अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास क्या है, नेशनलिज्म. अब नेशनलिज्म के नाम से हमें पता लग रहा है कि ये एक नेशन के कल्चर इंटरेस्ट को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है, और ये बताने की कोशिश करी है कि एक नेशन जो है वो अपने कामों में, मतलब उन अफेयर्स में जिसमें ये खुद डिसीजन मेकिंग कर सकती है, आज़ाद है, और किसी और नेशन की बर्तरी अपने ऊपर तस्लीम नहीं करती, ठीक है. अच्छा, इसको डिफाइन कैसे किया जा सकता है, ये एक बिलीव है कि एक नेशन जो है, ठीक है, नेशन इज सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इट इज बेस्ड अपॉन टू कोर अजम्पशंस. अब पहला अजम्पशन क्या है कि ह्यूमन काइंड इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट नेशन. पहला ये है कि इंसान जो है ना वो तमाम इंसान जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में बटे हुए हैं, ठीक है, और वो नेशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं वेरियस लेवल की वजह से, वेरियस चीज़ों की वजह से, कल्चरल लैंग्वेजेस और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं. देन क्या है, दैट द नेशन इज अ पोलिटिकल कम्युनिटी इन द सेंस दैट इट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड परहैप्स ओनली लेजिटिमेट यूनिट ऑफ पोलिटिकल रूल. अब एक तो पहली बात हो गई कि नेशनलिज्म में पहला पॉइंट क्या है कि ह्यूमन काइंड जो है ना उसको डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में डिवाइड किया हुआ है. दूसरी बात क्या आ गई, दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि एक जो नेशन है ना, हमारा हर नेशन अपने आप को ये समझेगी कि हम सबसे ऊपर हैं, सबसे बढ़तर हैं, और हमारा हक बनता है बाकी सारी नेशंस के ऊपर रूल करने का, ठीक है, तो हम यूनिट है पॉलिटिकल रूल के, हमें बाकी सबको रूल करना चाहिए क्योंकि हम उनसे बेहतर हैं, मतलब हर नेशन अपने आप को दूसरे से बेहतर समझेगी. It is a desire of a nation to self-determine and usually associated with the patriotism, but can also lead to chauvinism. अब क्या है कि मतलब नेशन चाह रही है कि एक तो मैं सेल्फ डिटर्मिन हो जाऊँ, मैं मेरे अंदर किसी और नेशन की मिक्सिंग ना हो, ठीक है, पहली चीज सेल्फ डिटर्मिनेट, और दूसरी पेट्रियाटिज्म कि जो मेरी कंट्री है ना वो सबसे अच्छी है, सबसे बेहतर है, मेरी नेशन सबसे अच्छी सबसे बेहतर है. लेकिन समटाइम्स ये शोवानिज्म में क्या होता है कि आप हाईली हाईली जो है ना अपनी नेशन और अपने स्टेट को हेल करते हो, जिससे क्या होता है कि आप दूसरों को अपने से कमतर समझने लग जाते हो, उनको कोई वैल्यू नहीं देते. कोर वैल्यूज क्या है नेशनलिज्म की, सबसे पहली चीज एक नेशन, ठीक है, एक नेशन है और वो नेशन जो है वो बाकी सबसे बहुत बड़ी और बहुत बेहतर है, उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है. फिर ऑर्गेनिक कम्युनिटी, अब ऑर्गेनिक कम्युनिटी में क्या बात है कि जी ह्यूमन काइंड जो है ना वो डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में डिवाइड हुई भी है, ठीक है, और क्या है कि ऑर्गेनिक कम्युनिटी का क्या मतलब है कि जो कम्युनिटीज हैं वो मतलब इंसान जो है उनकी जो नेशंस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे बनी हुई हैं, लिंग्विस्टिक बेसिस पे हो सकती हैं, फिर रिलीजन की बेसिस पे हो सकती हैं, तो अब ये क्या है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं, अपने अंदर चेंजिंग्स लेकर आती हैं, मॉडर्न नेशंस बनती हैं डिफरेंट बेसिस के ऊपर, ठीक है. नेशनल कम्युनिटी आगे है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है
के जो कम्युनिटीज हैं उनके आपस में कुछ ना कुछ एक दूसरे से बॉन्ड होते हैं, मतलब नेशन में कुछ लोग हैं जो आपस में किसी भी बेसिस के जैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका एक दूसरे से एक अफेक्शनेट सा बॉन्ड है, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, ठीक है, और सेंस ऑफ यूनिटी है इनके अंदर, उनके पास एक कॉमन गोल है जिसको इन्होंने अचीव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्फ डिटर्मिनेशन। अब सेल्फ डिटर्मिनेशन में क्या है कि हर स्टेट चाहती है कि सॉरी हर नेशन चाहती है कि उसके पास एक कंट्री हो जिसमें वो रहे अपने अपने मर्जी के मुताबिक, ठीक है, अपने हिसाब से वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और उसके हिसाब से रहें, ठीक है, तो ये हक भी है। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी नेशन स्टेट्स बनी थी और अभी भी कुर्द कुर्द्स जो लोग हैं वो एक नेशन है ना, उसका इशू चल रहा है कि उनको जो है ना कोई जगह ही नहीं दी गई जहां वो अपने आप को बसा सकें, कोई स्टेट नहीं है उनकी, ठीक है, तो ये बात है। फिर क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में क्या है कि ये जो नेशनलिज्म होती है ना ये लोगों को बताती है कि वो कौन है, उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री होती है, कोई बॉन्ड होते हैं, कोई कलेक्टिव स्पिरिट है, और सेंस ऑफ डेस्टिनी क्रिएट करती है कि आपका गोल क्या है जो आपने अचीव करना है, तो ये सारी बात है। अब क्या है कि ये जो नेशनलिज्म है ना ये इंडिविजुअलिज्म एग्जिस्टेंस से बहुत बड़ी कोई चीज़ है। जैसे हम मुसलमान हैं तो हम जो है वो मुसलमान एज ए नेशन बन के सोचेंगे, हमारी आइडेंटिटी है, हम एक बहुत बड़े सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो ये बात है। और फिर हमारे कोई ना कोई कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो सारी चीज़ें हमें बताती हैं कि हम मुसलमान हैं, ठीक है, हमें आइडेंटिटी देती है, इंसान को आइडेंटिटी देती है कि आप किस बैकग्राउंड से हो। मेरिट्स क्या है, सबसे पहले तो हेल्पफुल इन लिबरेटिंग द कंट्री फ्रॉम द फॉरेन रूल्स, ठीक है। अब नेशनलिज्म का जब एक कंसेप्ट लोगों के दिल में आ गया कि हम एक अलग कौम है और किसी दूसरी कौम का हक नहीं है कि वो हम पर रूल करे, हम पर हुक्मरानी करे, ठीक है, तो क्या करती है नेशनलिज्म एक कंट्री को, लेट से अगर वो कॉलोनियलिज्म का एरा है, जैसे हमने भी नेशनलिज्म की वजह से अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की और हिंदुओं से भी अलहदा मुल्क हासिल किया, जो मतलब इंडिया से अलहदा होकर हमारा पाकिस्तान बना, ठीक है, तो हमारे लिए ये नेशनलिज्म की एक सेंस हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रही है फॉरेन रूल से हमें आज़ाद कराने में, ठीक है। देन क्या है, इट लीड्स टू अ सोशल यूनिट। अब हम जो है हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारा एक बैकग्राउंड है, तो हम हमारी दूसरे के साथ सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, ठीक है, हमारे कॉमन गोल है जो हमने लेकर चलना है, हमारी एक हिस्ट्री है, तो हम सारी जो नेशन है मुसलमान नेशन जो है हमें एक सोशल यूनिट बना देती है ये कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, हम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं, राइट, तो ये चीज़ है। फिर हीरोइज्म की स्पिरिट और सेल्फ सेक्रीफाइस की तरफ भी लेके जाते हैं। अब नेशनलिज्म की वजह से बहुत सारे लोग इस मतलब अपनी नेशन के लिए खड़े हो जाएंगे कोई काम करने के लिए, वो आम सर्कमस्टेंसेस में हो सकते हैं इंसान अपने लिए वो स्टेप ना ले सके, लेकिन अपनी नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में कायद अजम का रोल अगर किसी ने पढ़ा है तो आपको पता होगा 30 से 35 साल से कायद अजम जो है वो मोहम्मद अली जिना टीबी के मर्ज में मुब्तला थे, लेकिन उन्हें किसी को ये बात ही पता लगने दी, क्योंकि उन्हें ये था कि मेरी नेशन, मेरी कौम जो है उसको मैंने वतन दिलवाना है। अगर अगर किसी को पता लग जाता है कि मैं बीमार हूँ और मैं कुछ अरसे तक मर जाऊंगा तो हो सकता है वो इस प्लान को डिले कर दे और मेरी मौत का इंतजार करें। तो क्या था वो, ये जो नेशनलिज्म की एक स्पिरिट थी ना कि मैं एक मुस्लिम नेशन हूँ, हमें पूरा पूरा हक है अपनी मर्जी से अपने हिसाब से जिंदगी जीने का, उन्होंने उस एक स्पिरिट ने एक हीरो क्रिएट कर दिया, और एक नहीं बहुत सारे हीरो क्रिएट कर दिए, ठीक है, जो अपनी जाने जो है वो स्टेट में निछावर करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं सोल्जर्स भी ऐसे ही है ना, जिनको निशाने हैदर दिया गया है, वो उनमें एक हीरोइज्म की स्पिरिट थी ना कि मैं हमने अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपनी जान दे दें चाहे, लेकिन दुश्मन को, दुश्मन की नज़र नहीं इस पे पड़नी चाहिए, ठीक है। देन इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पर लेके जाती है, जब लोग यूनिट बन के काम करेंगे और एक दूसरे को उठा के चलेंगे, मतलब उठाना इन द सेंस के हो सकता है कि एक इंसान बहुत लोअर सोशल बैकग्राउंड से आया और एक इंसान बहुत अच्छे सोशल बैकग्राउंड से आया, लेकिन जब एक नेशन से बिलोंग कर रहे हैं ना वो, तो वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे एक लेवल पर आने के लिए, ठीक है, क्योंकि हम एज ए इंडिविजुअल नहीं सोच रहे, हम एक नेशन बन के सोच रहे हैं,
तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, दूसरों के लिए काम करने का जज्बा बढ़ेगा, कोऑपरेशन आएगी, हार्मनी आएगी, ब्रदरहुड और पीसफुल जो है ना वो एक फिजा एक कंट्री में कायम हो जाएगी. देन नेशनलिज्म इनेबल्स अ कंट्री टू फेस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस इफेक्टिवली. ठीक है, नेशनलिज्म में क्या होता है कि आप अपने आप को दूसरों से बढ़तर समझ रहे हो, बेहतर समझ रहे हो. तो अगर कभी कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, तो वो नेशन जो है वो एक दूसरे के साथ उस प्रॉब्लम में खड़ी हो जाएगी. वो मिलके काम करेंगे कि हमने इस क्राइसिस से किसी तरह निकलना है और दुनिया में मजाक नहीं बनना लोगों के सामने. ठीक है, तो वो उस क्राइसिस से निकलेंगे, इफेक्टिवली निकलेंगे. देन पॉलिटिकल यूनिटी एंड स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती है. अब जब एक नेशन अपनी मतलब उनमें अगर नेशनलिज्म का जज्बा बहुत ज़्यादा है ना, तो वो एक पॉलिटिकल यूनिटी की सेंस आ जाएगी. ठीक है, वो ये गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं चलेगी कि फिर इसका तख्ता उलट दो, उसका तख्ता उलट दो, अब मैं आ गया, वजीर आजम बन गया, वो आ गया सदर बन गया, इस तरह नहीं होगा. स्टेबिलिटी रहेगी, उस नेशन को पता है कि हमने मतलब जो लीडर्स आएंगे वो भी हाईली नेशनलिस्टिक होंगे और जो लोग होंगे वो हाईली नेशनलिस्टिक होंगे और अपने लीडर की बात मानेंगे, उसे लीडर समझेंगे. ठीक है, तो नेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है. फिर जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्योंकि जब नेशनलिज्म है तो समझ लें कि हारमनी और ब्रदरहुड की जो है ना एक एटमोसफेयर बना हुआ है उस कंट्री में, तो जो भी म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कंट्री के, वो आपस में बहुत एहसन तरीके से वो खुद ही सुलझा लेंगे, क्योंकि वो मतलब आपस में एक दूसरे को एक अपना भाई समझेंगे ना. तो फिर जो भी इश्यूज हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको आराम से सुलझा दिया जाएगा, उसमें कोई बहुत मसले मसाइल वाली बात नहीं आएगी. डीमेरिट्स क्या है, अगर अग्रेसिव नेशनलिज्म हो, मतलब कहते हैं ना एक्सेसिव एवरीथिंग इज बैड, सो एक्सेसिव नेशनलिज्म इज वेरी बैड. वो एक होता है जिंगोइज्म की तरफ ले जाएगी, अगर बहुत ज्यादा हाईली नेशनलिस्टिक है कोई इंसान, रेसिज्म की तरफ ले जाएगी, फिर वो बाकी इंसानों को इंसान नहीं समझेंगे, वो इंसानुमत जानवर ही समझेंगे, फिर उनको गाजर मूली की तरह काट रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो दूसरे इंसानों को इंसान नहीं समझेंगे. फिर कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म. अब कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म में इसने इसी तरह तो जड़ पकड़ी थी के जो है ना व्हाइट मैन बर्डन के नाम से, कि ये हम ब्रिटिश नेशन जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, तो ये अभी हमारा बर्डन है कि हम दूसरे लोगों को तालीम दें, तरक्की दें. ठीक है, तो इसी एक एजेंडे के तहत वो उन्होंने दुनिया में अपनी इतनी जगहों पे कॉलोनियाँ बनाई, फिर वहाँ रूल करने लगे कि भाई हम आपकी हालत सुधार रहे हैं, बट दैट वॉज नॉट द केस. अच्छा, और इसलिए भी मतलब कि ना, जब एक इंसान अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझेगा तो वो चाहेगा कि मैं इसमें हुक्मरानी करूँ. ठीक है, तो जब एक नेशन दूसरी नेशन को अपने से इंफीरियर समझेगी तो वो भी तो उस पर हुक्मरानी करना चाहेगी ना. अच्छा, नेशनलिज्म की वजह से जंगे भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि एक नेशन अपने आप को दूसरी नेशन से बेहतर समझ रही है, और लेट्स से अगर एक नेशन के पास एक अच्छा पीस ऑफ लैंड है तो दूसरी नेशन चाहेगी कि मैं ले लूँ, हो सकता है कि जंग हो जाए या किसी भी बात के ऊपर जंग हो जाए, तो वर्ल्ड पीस हमेशा इंडेंजर रहेगा. इट इज हिंड्रेंस इन द वे ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. ठीक है, अब वो जो नेशनलिज्म वाला एक जज्बा है ना, हाइपर नेशनलिज्म वाला जज्बा है ना, वो दूसरी कंट्रीज के साथ मिलजुल के काम नहीं करेगा, कहेगा मैं बेहतर हूँ, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की. इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी नहीं करेंगे, किसी ट्रीटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह किसी पे भी नहीं आएंगे. ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर आज का. आई होप कि आपको पसंद आया होगा. काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के आइकन को दबा दें, ताकि आपको जो है आने वाली मजीद वीडियोस मिलती रहें और आप उनसे इस्तफादा करते रहें. आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा अपने रिमार्क्स, अपने फीडबैक और अपनी कोई भी क्यूरीज है उनको भी. तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं उमर शहजाद, और अल्लाह हाफिज़.